corn, got sandwich, so we need noodles. Just took Sharifa, Usman Kheer, Dubarak, Seif, Sharifa, बन गए हैं और अच्छे खासे अभी दिसंबर में भी और गए थे और उनको तोड़ा था मैंने, वीडियो भी शेयर की थी पहले भी 2-3 साल से। इसमें बड़े बड़े शरीफे आ रहे हैं और वो पक जाते हैं तो ज़मीन में नीचे लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर में रोड की तरफ, तो काफ़ी ऊपर हैं नज़र, इतने ज़्यादा आते नहीं, पत्तों में छुपे हुए होते हैं लीव्स के अंदर। नीचे साइड में लगे हुए गार्डन में तो उसकी वजह से पॉप नहीं लगाए थे सीड से, ये 7 साल पहले का ये प्लांट है मेरा, 2-3 साल रूफ टॉप पे रहा, फिर उसके बाद नीचे 4 साल से नीचे ग्राउंड में लगा दिया। तो इसमें विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रूट आता है, बनता है, बड़ा भी होता है, 2 दफ़ा ये देता है फ्रूट, अमरूद भी ज़्यादा प्लांट की और ये भी शरीर का भी 2 मरतबा फ्रूटिंग करता है, लेकिन विंटर में इसके फ्रूट जो हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और समर सीज़न में गर्मियों में इनके इतने ज़्यादा फ्रूट भी इतना बड़ा नहीं होता है और उसको टेस्ट में भी फर्क होता है। ये बहुत फैला बुशी हुआ है, इसकी फिर कटिंग कर देते हैं हर जब ये फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इसको स्टेम की कटिंग कर देते हैं तो फिर ये और दोबारा बुशी होकर उसमें फिर फ्रूट आने लगते हैं। इतना बारिश के बाद ये इतना घना और पत्ते भी बिल्कुल साफ और इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, ये सारे धरी कर रहा है उसको विंटर की रेन के बाद। अभी लगे हुए हैं अंदर पत्तों में छुपे हुए हैं तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे और दूसरे बहुत सारे प्लांट्स भी उसमें लगे हुए हैं, ये अमरूद का हवा का प्लांट है, इसके लीव्स इतने ज़्यादा नहीं होते पत्ते तो इसमें नज़र आ रहे हैं अमरूद लगे हुए। इसमें भी 2 टाइम्स फ्रूटिंग होती है और गर्मी वाला सीज़न जो होता है उसमें इतने अच्छे नहीं होते, विंटर में इसमें भी बहुत अच्छा बड़ा होता है और ज़्यादा भी होते हैं, इनकी भी वही कटिंग कर दी जाती है तो फिर नए लीव्स आते हैं, उनके साथ साथ फ्लावरिंग होती है फिर फ्रूट बनता है। ये छोटे छोटे हैं अभी, इसके बाद ये मैंगो का प्लांट है, ये भी बहुत बड़ा हो गया है, 3-4 साल रिबन हो गए लेकिन अभी इसने फ्रूटिंग शुरू नहीं की क्योंकि काट देते हैं ऊपर से ताकि ये ऊपर की तरफ ज़रा बुशी हो, तो अच्छे खासे इसके भी लीव्स हुए हैं और घना हो गया, ये भी बहुत बुशी हो गया है, ये इसके अमरूद के नज़र आ रहे हैं फ्रूट। पॉट से ज़्यादा नीचे सॉइल में लगे हुए गार्डन में वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते भी हैं और उनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है, पाउडर ही ज़्यादातर इसमें दिया जाता है 2 दफ़ा
फ्रूट खाने से पहले और उसके जब ये झड़ जाते हैं पत्ते, फिर उसकी कटिंग करते हैं उस वक्त। बेजल नाजपुर के पौधे लगे हुए हैं, नाग चंपा है, मॉर्निंग ग्लोरी है, बहुत से नीचे लगे हुए एलोवेरा है। बाबा हाथ लगा हुआ है, कनेर का पौधा लगा हुआ है, सब जरा फासले से हैं दूर दूर। तुलसी का, न्याज को गजल का पौधे, नाग चंपा है, कनेर है और दो तीन और हैं तो इस वक्त नाम नहीं। ये टेरेस गार्डन पे है, अमरेलिस लिली के दो पॉट हैं, बाकी चमेली है, स्नेक प्लांट की किस्में हैं, मोतिया है, पत्थर चट्टा है, मनी प्लांट की बहुत सी किस्में हैं, सिल्वरी है, बोगनवेलिया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुके प्लांट में फ्लावरिंग हो के दोबारा से लेमन बनने शुरू हो गए हैं। ये जब फ्लावर उसमें आ रहे थे तो ये इसमें बन गए हैं फ्रूट लेमन्स छोटे छोटे। ये रूफ टॉप पे रखे हुए ये वो टेरेस गार्डन में थे और सबसे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर के वीडियो थी।
लेमन में भी 2 दफ़ा फ्रूटिंग होती है। रेड सोरा प्लांट लगा हुआ है नीचे गार्डन में। सुनने किसी वीडियो के साथ आगे हूँ।